TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. रोहित नॉन स्ट्राइक हैंड पर है पवन, इसी बीच पहली गेंद लेकर तैयार, लो फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक किया, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, चार रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज फिर से एक बार, इस बार जोरदार अपील, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी नजर आई गेंद डॉट के रूप में। गौरक्षक आपका 12वां खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेजना है, आपका 12वां खिलाड़ी। इस मैच के ही अनुसार मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन का किताब यानी ट्रॉफी मिल सकती है, इसलिए आपको अपना 12वां खिलाड़ी हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में भेजना है। चलिए अगली गेंद लेकर तैयार जर्सी नंबर 04, अपने बॉलिंग मार्क पर, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 4 रनों पर दर्शाता हुआ, अगली गेंद लेकर तैयार है पूरी तरीके से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, खूबसूरत फील्डिंग, 1 रन तेज कदमों से पूरा किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर में फेरबदल, स्कोर खसक कर जा पहुंचा है 5 रनों पर।
गेंदबाज कमल सिंह, इसी बीच ये गेंद इस बार पॉइंट पर खेला गया स्ट्रोक, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, कवर पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, थोड़ी सी मिसफील्डिंग बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, ओवर थ्रो के माध्यम से एक्स्ट्रा के रूप में जरूर यहां पर एक रन दौड़कर पूरा किया है, ओवर थ्रो जरूर यहां पर किया था पॉइंट के खिलाड़ी ने। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन। इस बार बहुत ही बढ़िया कट गेंद, पॉइंट और कवर के बीच में से निकलती हुई 4 रनों के लिए। गेंदबाज दिनेश सिंह को लाया गया है, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे, जर्सी नंबर 03, 10 से 12 कदमों के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं धर्मेश दिनेश सिंह। इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गति पर नियंत्रण नहीं रख पाए, गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ लेग स्टंप को छोड़ती हुई, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, एक रन जरूर मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में, स्कोर 2 आंकड़ों में 11 रन। अगली गेंद दिनेश लेकर तैयार, इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, सिली मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात हैं, एक रन फिर भी चुराने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। पुनेडी पैंथर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस ना करें, ग्राउंड के अंदर अगर बॉल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्रैक्टिस प्लीज ना करें। अगली गेंद लेकर तैयार है दिनेश, फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार है ग्रीन कैप के जो बल्लेबाज हैं रोहित, इसी बीच ये गेंद, इस बार शफल होकर खेलने का प्रयास, कीपर की थोड़ी सी चूक, गेंद तेज गति से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। बिल्कुल आए हुए सभी राजपुरोहित बंधुओं का हार्दिक स्वागत कमेटी की तरफ से, वेलकम, और बिल्कुल सिलवासा की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत है, दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है जो अपना कीमती वक्त दे इस मैच का आनंद।
आते हुए, खासकर हमारे दूर दराज से आए हुए बंधुओं का हम फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में। वेलकम सुस्वागतम, आपका मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। खासकर वापी से आए हुए हमारे जो बंधु हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं इस प्रतियोगिता में। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कूप किया है, गेंद जारी है स्क्वायर लेग की दिशा में, दो रनों के लिए तेज तर्रार दौड़ लगती हुई और कामयाबी हाथ लगती हुई बल्लेबाजों के। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 24 रन, दो ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, अच्छी शुरुआत। 12 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी करती हुई यहां पर बैटिंग यूनिट।
नीलेश दिनेश को कंटिन्यू रखा गया है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार स्कूप करने की कोशिश, फिर से एक बार। जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करे, बिल्कुल ये कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से हम आप तक के बात पहुंचा रहे हैं। जब सीधे बल्लों से रन जारी है, रनों की गति जारी है, तो इस तरीके की गलती करना यानी आ बैल मुझे सिंग मार। इस बार कलाइयों का उपयोग किया था दिनेश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, रनों को रोकने में कामयाब नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार दिनेश, इस बार सामना करने के लिए तैयार है पवन। इस बार बिग 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 ब्लो, गेंद डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल अच्छे स्ट्रोक का आगाज किया। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बैट और बॉल की जब मुलाकात हुई, सुनहरी सी धुन, गेंद पर मोहर लगती हुई 6 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। एक बड़ा स्ट्रोक लगने के बाद यहां पर गेंद को डॉट करना, यह एक रणनीति होती है। हर गेंद पर स्ट्रोक नहीं लगाए जाते, हर कोई पोलार्ड नहीं होता, हर कोई एवी डिविलियर्स नहीं होता, इसलिए सोच बदलो तो दुनिया बदलती है। बिल्कुल गर्मी के माहौल में कूल माइंड से बल्लेबाजी करना बहुत ही बढ़िया होता है। इस बार फ्रंट फुट पर निकलकर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डीप लॉन्ग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में फील्ड की गई, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल आए हुए सभी दर्शकों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत हमारे कमेटी मेंबर्स की तरफ से। बिल्कुल राजपुरोहित क्रिकेट लीग सिलवासा 2016 आए हुए सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है, और साथ ही साथ आए हुए सभी दर्शकों का जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से, आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल इस प्रतियोगिता को हम कभी नहीं भूलेंगे, मुंबई से आए हैं, सुबह सैटरडे 6 बजे बिल्कुल टच थे हम ग्राउंड पर, और मैच की समाप्ति हुई संडे की सुबह 7 बजे। क्या बात है, इस तरीके से इस टूर्नामेंट को रखा गया, काबिले तारीफ और बहुत ही बढ़िया। इसके बाद फाइनल का मैच है, सभी दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, इसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा। इस बार लेट कट करने का प्रयास, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, गेंद डॉट के रूप में।
चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 था और एक गेंद अब डॉट होती हुई। मुकेश जी की भी तारीफ करना जरूर चाहेंगे हम कि उन्होंने वन मैन शो, वन मैन आर्मी इस प्रतियोगिता को रखा और सक्सेसफुली मुकाम तक के पहुंचाने में उन्होंने जो मेहनत की है काबिले तारीफ। अकेला आदमी पूरे टूर्नामेंट को करना खाने की बात नहीं होती है, लेकिन सलूट हम जरूर करेंगे मुकेश जी को जिन्होंने इस प्रतियोगिता को खूबसूरत अंदाज में अपने समाज के सभी लोगों को एकजुट कर इस मंच पर, इस ग्राउंड पर, सिलवासा के इस सरजमी पर परफॉर्मेंस करने के लिए खड़ा किया है। काबिले तारीफ। बिल्कुल, खाने से लेके रहने की सुविधा, हर एक चीज काबिले तारीफ। अकेले आदमी की मेहनत, एक आदमी की मेहनत इतनी रंग लाती हुई, क्या बात है। जितनी मेहंदी रंग नहीं लाती है उतनी उतनी मेहनत उनकी रंग लाती हुई। इस बार रिवर्स स्ट्रोक चार रनों के लिए। क्या बात है, ये चार अंपायर थे जोड़ी में, संतोष जी भी थे और एक और अंपायर थे, चार अंपायर थे कल के दिन से अभी तलक के, सिर्फ दो बचे हैं क्योंकि इतने लंबे लंबे जो मैचेस थे, सुबह 7 बजे तक के मैचेस चालू थे। इस बार बहुत ही बढ़िया पुल, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, चार रनों के लिए। निर्णय लिया था वो निर्णय पे खरे उतरते हुए।
इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल किया है, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, गेंद 4 रनों के लिए। सी पार्टनरशिप हो तो एक विशाल सा टीम को स्कोर जरूर देखने मिलता है, और बिल्कुल एक अच्छी पार्टनरशिप और एक अच्छी इनिंग की मुहिम से यहां पर दोनों ही बल्लेबाज डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, तन मन और धन तीनों लगाकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार फ्लिक करने की कोशिश, फाइन लेग की दिशा में अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं। बड़े स्ट्रोक की अगर बात करें तो अब तक के इस मैच में 5 चौके और 1 सिक्स, 6 चौके और 1 सिक्स देखने जरूर मिला है। बिल्कुल 7 चौके और 1 6 रन इस पार्टनरशिप को पूरा करने के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, अपने आप को झोंक दिया था शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद हाथों में नहीं समाई, गेंद डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद डीप मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, बिल्कुल गेंद को पकड़ने की चाह जताई थी लेकिन अपने हाथों में जो मोबाइल फोन था उसे फेंक दिया, क्या बात है, इसे कहते हैं क्रिकेट का प्रेम।
छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 67 रन। अगली गेंद लेकर तैयार है नए गेंदबाज, नरपत सिंह। बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइव किया है। ये दोनों ही खिलाड़ियों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। ये दोनों ही खिलाड़ी लेदर के जिस तरीके से स्ट्रोक होते हैं ना, उसी अंदाज में उसी तरीके से स्ट्रोक खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आए हुए जितने दर्शक हैं काफी मैच का आनंद ले रहे हैं, खासकर भरत जी की अगर बात करें, वलसाड़ के सबसे महंगा टिकट उन्होंने लिया है। बिल्कुल, वलसाड़ के जो भरत जी हैं, सबसे महंगा टिकट, इस मैच का सबसे महंगा टिकट। बिल्कुल, आज तक के बैठकर क्रिकेट देखा जाता है लाइव, यहां सोकर क्रिकेट, क्या बात है। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, लेकिन नो मैन लैंड पर गेंद गिरती हुई, पॉइंट डीप पॉइंट पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। गेंद को फील करने में कामयाब जरूर नजर आए, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 69 रन्स। क्या बात है, अच्छी साझेदारी। इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर करने वाला बिल्कुल एक बल्लेबाज, सिक्सटी सेवन रन का हाईएस्ट स्कोर, निजी स्कोर करने वाला एक बल्लेबाज बिल्कुल करण ने काफी बड़े बड़े कल गेंदबाजों को करण दिए थे। 67 रन निजी पारी खेलने वाला एक खिलाड़ी। और अब साझेदारी की अगर बात करें तो पार्टनरशिप ये दोनों ही बल्लेबाजों की काबिले तारीफ। अगली गेंद लेकर तैयार नरपत सिंह, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक करने की चाह जताई, बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं गेंद डॉट के रूप में। इस डॉट के साथ साथ नरपत सिंह कोशिश कर रहे हैं कि कम रनों का ओवर करें। जिस तरीके से जब हाईवे पे गाड़ी दौड़ती है 100 या 150 की स्पीड में, उसकी स्पीड कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर का मेन भूमिका होती है, उसी तरीके से नरपत सिंह स्पीड ब्रेकर का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, रनों की जो गति है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार यह गेंद बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गेंद डॉट के रूप में। अंपायर की तरफ आशा भरी निगाहों से बल्लेबाज कुछ अपील कर रहे हैं, लेकिन गार्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब बैट्समैन अंपायर से गार्ड लेता है उसके बाद परफॉर्मेंस करता है तो उन्हें यह पता होता है कि मेरे तीन स्टंप कहां हैं। ये बल्लेबाज पूरी तरीके से शफल होकर खेल रहे हैं, लेग स्टंप यानी पीछे का दरवाजा खुला रख रहे हैं, गेंद बिल्कुल वहीं से प्रवेश कर डॉट के रूप में होती हुई। अगली गेंद नरपत सिंह की, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, क्लीन बोल्ड और एक बेहतरीन साझेदारी, एक बेहतरीन पार्टनरशिप को ब्रेक करते हुए नरपत सिंह, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बिल्कुल, नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में नजर आते हुए, चिराग, चिराग, चिराग
अब आए हैं चिराग, पवन की जगह क्या चिराग अपनी रोशनी से यानी टीम के लिए रनों को जोड़ पाते हैं, ये देखना जरूरी। नरपत सिंह की अगर बात करें, क्या गेंदबाजी की है, 2 रन खर्च किया है और एक सेट बैट्समैन को उन्होंने पवेलियन के लौटाया है। नरपत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अगली गेंद लेकर तैयार विक्रम, इस बार पुल किया है, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल जेकेडी की अगर बात करें तो उनके बल्लेबाजों ने स्टंप के पीछे सबसे ज्यादा रन किए, ना कि स्टंप के सामने। मदन सिंह जी घनसोली और गोविंद सिंह जी वापी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप यहां पर आ जाइए, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल हमारे पवेलियन में आ जाइए। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद मिड ऑन की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस सिंगल के साथ साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर 72 रन। अब ऐसा लग रहा है कि जे के डी की जो टीम है वो शायद इस प्रतियोगिता का जो हाईएस्ट स्कोर है 114 उसे क्रॉस कर सकती है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया स्कोर, थोड़ी सी मिसफीलिंग, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की चाह जताई, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन जरूर मिलता हुआ। 1 रन से स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, 77 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, क्या साझेदारी थी, क्या पार्टनरशिप थी, अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखने मिल रहा है जेकेडी की टीम की तरफ से। इस बार यह गेंद पुल किया है, नो मैन लैंड पर गेंद गिरती हुई, जब तक के मिड ऑन के खिलाड़ी, मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक के गेंद को फील्ड करते, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर नंबर 8वां खत्म होता हुआ, 8 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जेकेडी की टीम, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था वो खरा निर्णय साबित होता हुआ, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 78 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार नरपत सिंह, क्या बात है, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने का प्रयास, काफी तेज तर्रार गेंद। नरपत सिंह की अगर बात करें
नरपत सिंह बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी तेज तर्रार गेंदबाज है। पहली विकेट की सफलता इन्हें ही मिली थी अच्छी गेंदबाजी के माध्यम से, क्योंकि 12 ओवरों का यह सामना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई से, वापी से, न्यू मुंबई से काफी मेहमान हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं। राज पुरोहित चषक, बिल्कुल राज पुरोहित क्रिकेट लीग 2016 में आप सभी का मनपूर्वक तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपका जो आपने कीमती वक्त यहां पर दिया है, समाज की एकजुट करने में सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ राज पुरोहित ग्रुप, बिल्कुल कहा जाएगा राज पुरोहित समाज को। और इसका शुभ कार्य यानी सबको एकजुट करना, यहां पर पूरा कार्य आपका जाता है मुकेश जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस प्रतियोगिता को रखा है, 16 टीम को परफॉर्मेंस के लिए यहां पर लाया है, वो भी मुंबई पुणे हर जगह से इस प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस करने के लिए टीमें आई हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है और इस ग्राउंड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस बार बहुत ही बढ़िया पैडल स्वीप गेंद, डीप बैटवर्क, अगर बात करें तो स्कोर 91 रन्स। इस बार बैट का मोटा सिरा लगता हुआ गेंद पॉइंट गया, बिल्कुल गली की दिशा में, एक रन जरूर पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर लगभग 9 ओवर खत्म होता हुआ और स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 92 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। क्या बात है, हो गगन चूमती शट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, हवाओं के साथ झूमती हुई, आसमान को चूमती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक, जियो खिलाड़ी वाह। ओहो, क्या बात है, बैक टू बैक, वो भी बड़े बड़े सिक्स, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और इस सिक्स की मदद से को दर्शाता हुआ गुत्ती गुत्तम घुमा के बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सिक्सों की हैट्रिक पर दस्तक दे रहे हैं। अगर सिक्स लगता है इस गेंद पर, ओ पुल किया था लेकिन गेंद 4 रनों के लिए परिवर्तित, इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आता हुआ। व्हाट अ स्ट्रोक, नाम है बल्लेबाज का चिराग,
रनों ऑन फायर, बिल्कुल यही कहा जाएगा। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं? दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खेल जमा ले, कसम उठा ले। वॉट अ स्ट्रोक, अब चिराग को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। वॉट अ स्ट्रोक, बिग बिग ब्लो सिक्सर, क्या बात है। जर्सी नंबर 04। बिल्कुल कम बॉल में 50 तो हो गई होगा, जिस तरीके से हमारे देश में महंगाई बढ़ती उतरती है उसी तरीके से यहाँ चिराग अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। नए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। ओहो, इस बार ये गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, प्लीज ग्राउंड के बाहर जो नन्ना बच्चा है उसे बाहर निकाल दे प्लीज। ओह दिस इज अ बिग ब्लो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से 6 रनों के लिए। क्या गाने बजा रहे हैं हर स्ट्रोक पर। ओहो, इस बार यह गेंद विकेट के रूप में, बड़ा झटका, लेकिन ऐसा झटका 67 यानी 67 पे ही आउट हुए हैं। अगर एक रन कर लेते तो इतिहास इनके नाम पर रचा जाता,
लेकिन इतिहास की परवाह किए बिना अपनी टीम के लिए रन जोड़ने वाला ये खिलाड़ी, एक बार जोरदार तालियां, तालियों का हकदार रोहित। का परिचय करवाती हमसे। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया, यह बढ़िया बात है। चिराग के हाथ में स्ट्राइक को रोटेट किया है। चिराग का निजी स्कोर है 41 रन। क्या एक मैच में दो हाफ सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी हो पाते हैं क्या, यह देखना जरूरी। चिराग के कांधों में, कलाइयों में काफी ताकत है, उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए हैं। अपनी इस इनिंग में 5 सिक्स और 2 चौके अब तक के जड़ चुके हैं। चिराग सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से गेंदबाज का, सुरेंद्र का। इसी बीच ये गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, विकेट के रूप में एक बड़ा झटका। चिराग जैसे खिलाड़ी आउट होकर पॉइंट कर रहे। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 135 रन। अंतिम और आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है, नरपत सिंह आए हैं गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। काफी बड़ा लक्ष्य, काफी बड़ा कहा जाएगा, हिमालय की तरह बड़ा लक्ष्य तय करना अब यहां पर गौरक्षक की टीम को पड़ सकता है। गौरक्षक की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, गेंद डॉट के रूप में। नरपत सिंह की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है नरपत सिंह ने। पहली ओवर में 2 रन खर्च किए थे, दूसरी ओवर महंगी की थी लगभग, दूसरी ओवर में उन्होंने कहा जा सकता है 14 रन खर्च किए थे, और तीसरी ओवर में 2 गेंदों में अब तक के सिर्फ 1 रन खर्च किया है। अगली गेंद लेकर तैयार नरपत सिंह, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल किया, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, तालमेल के कारण 2 रन मिलते हुए 2 रन से ही संतुष्ट, 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 2 रन की मदद से स्कोर अब छलांग लगाता हुआ 138 रन हो चुके हैं। बहुत ही उमदा बल्लेबाजी का प्रदर्शन, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। बिल्कुल टॉस जीतने के बाद कप्तान ने कहा 100 करो, आगे हुआ वो अपना बेनिफिट। इस बार ये गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, व्हाट अ एफर्ट, 2 गुलांटी खाने के बाद खुद भी एक बाउंड्री लाइन के बाहर और गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर लेट कट, गेंद पॉइंट की दिशा में, और यहां पर जरूर 2 रन होने के लिए दौड़ लगेगी। 2 रन यहां पर पूरे किए हैं और लगभग 3रा रन नजदीकी मामला हो सकता है, और यहां पर एक्स्ट्रा के रूप में और सोने पे सुहागा। आखिरकार बल्लेबाजों का पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन गौरक्षक के खिलाड़ियों ने रन देना नहीं छोड़ा था। एक तो अकाल ऊपर से भुखमरी इसे कहा जाता है, एक तो बल्लेबाज हावी हो चुके हैं और ऊपर से इस तरीके की चूक करना, यानी सोने पर सुहागा। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं,
146, क्या 150 रनों का आंकड़ा तय करती है यहां पर, यह देखना जरूरी। क्या 150 रन बनाने वाली पहली टीम होगी इस बार। काफी करारा प्रहार, गेंद लॉन्ग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, और इसी के साथ 150 रन पूरे होते हुए। क्या बात है, एक इतिहास यहां पर रचा गया है। सिलवासा का पहला यानी इस ग्राउंड का इतिहास है कि इतना बड़ा लक्ष्य किसी ने नहीं तय किया है। रिकॉर्ड 12 ओवर में 150 रन करने वाली यह पहली टीम, क्या बात है। प्लीज बी फास्ट गाइस, इसके बाद भी फाइनल का मैच कराना है। मुख्य अतिथि हमारे उपस्थित होंगे कुछ वक्त के बाद, हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। बिल्कुल, क्या बात है, 150 रन करने वाली ये टीम।
पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। गेंदबाज रोहित, अगली गेंद लेकर तैयार है रोहित, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में। इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, एक रन जरूर पूरा किया है, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल के साथ खाता खोला है। जीत के लिए 150 यानी 150 रनों की और जरूरत। अगली लेकर तैयार हैं, फिर से एक बार गेंदबाज रोहित अपने बॉलिंग मार्क पर, तेज तर्रार गेंदबाज। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज जब तक के बल्ले का मुंह खोलते गेंद तेज गति से निकलकर कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में। जीत के लिए लक्ष्य काफी बड़ा है, काफी कठिनाइयों का सबक का सामने आता हुआ, बिल्कुल कहा जाएगा पेपर आसान नहीं है। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, सिंगल सिंगल से यहां बात नहीं बनेगी, बड़े स्ट्रोक खेलना जरूरी है, क्योंकि जीत के लिए 51 रन काफी बड़ा स्कोर यहां तय करना है। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार शॉर्ट पिच बॉल थी, गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर थी, वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अतिरिक्त रनों में एक रन जुड़ता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ। तीन रन, इसी बीच ये गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, कलाइयों का उपयोग किया था, गेंद शॉट स्क्वायर लेग पर फील्ड की गई। बिल्कुल दर्शकों कहीं ना जाइएगा, इसके बाद फाइनल का मुकाबला, इस प्रतियोगिता का अंतिम और आखिरी मुकाबला, दोनों ही डेंजर टीमें जरूर सामने होंगी। इस बार पुल किया है गेंद, हवा में खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग, जश्न का माहौल जरूर फील्डिंग यूनिट टीम में दर्शाता हुआ। चारे लेकिन एक रन लेने में कामयाब, बिल्कुल जसवंत सिंह, बिल्कुल इंडिया ए टीम में परफॉर्मेंस करते हैं और हम देख सकते हैं किस अंदाज में अफगानिस्तान के सामने परफॉर्मेंस किया था मोहाली के, बिल्कुल पंजाब मोहाली के ग्राउंड पर, जहां पर तीन गेंदे इन्हें खेलने मिली थी और तीन गेंदों में 7 रन इन्होंने मुकम्मल किए थे
और अफगानिस्तान की टीम को इन्होंने धनाशाही इनकी टीम ने किया था और जीत का परचंग पंजाब मोहाली में जरूर लहराया था। इस बीच ये गेंद इस बार बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, फ्लिक किया है, गेंद शॉट फाइन लेग की दिशा में, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल सिंगल से इस मैच को जीता नहीं जा सकता क्योंकि हर ओवर में बड़े स्ट्रोक, लगभग दो बड़े स्ट्रोक खेलना जरूरी है, हर ओवर में दो बड़े स्ट्रोक लगाना जरूरी, तब जाकर इस विशाल से लक्ष्य को पार किया जा सकता है। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, खूबसूरत फील्डिंग, ओहो व्हाट अ एफर्ट, क्या बात है। मैच को जीतने के लिए 11 खिलाड़ियों की जरूरत होती है, उनकी मेहनत रंग लाती है, अगर टीम हारती है तो सिर्फ कैप्टन हारता है, ये अक्सर हमने देखा है। और यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए बिल्कुल कहा जाएगा फील्डिंग यूनिट टीम। इस बार ये गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी और गेंद पर फ्लिक किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार रोहित, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, बल्लेबाज बीट होते हुए गेंद डॉट के रूप में, रोहित बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, काबिले तारीफ। एक तो अच्छी बल्लेबाजी की 67 रन और उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी के माध्यम से भी दर्शकों का दिल जीता है। इस बार गेंद मिड विकेट की दिशा में फील्ड की गई, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच की जब शुरुआत हुई थी, जीत के लिए हर ओवर में 12.58 के औसत से बल्लेबाजी करनी थी, यानी लगभग 12 रन बिल्कुल कहा जाएगा, इस औसत से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन स्कोर काफी कम नजर आता हुआ। इस बार ये गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद को रोकने में सक्षम और कामयाब, गेंद बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाई, तेज तर्रार दौड़ लगी और लगभग यहां पर दौड़कर जो रन पूरे किए वो है 3 रन दौड़कर पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। और बिल्कुल जो दर्शक हमारे बीच यहां पर उपस्थित नहीं है, घर पर इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में और अंपायर के इशारे का इंतजार, यस आउट, विकेट का पतंग, एक और झटका बिल्कुल लगता हुआ यहां पर गौरक्षक की टीम को। YouTube के माध्यम से आप इस मैच का आनंद घर बैठे उठा सकते हैं, आपको सिर्फ आगे, और इस प्रतियोगिता का नाम राजपुरोहित क्रिकेट लीग सिलवासा 2016 आपको टाइप करना है और YouTube पर इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं। tenniscricket.in के माध्यम से इस टूर्नामेंट को कवर किया जा रहा है, विपुल जो कि इस टूर्नामेंट को कवर करते हुए, और जग्गू जो कि हमारे कैमरामैन इस मैच को लाइव कवर कर रहे हैं,
बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस बार बहुत ही बढ़िया एफर्ट रहा गेंद को फॉलो थ्रो में स्टॉप करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं। एक रन आसानी के साथ पूरा किया है। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन। ओवर की अगर बात करें तो तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। मैच लगभग एक तरफा अभी से ही दृश्य नजर आता हुआ, क्योंकि लक्ष्य 51 रनों का है और इस ग्राउंड के अंदर एक इतिहास यहां पर मुकम्मल किया था बैटिंग यूनिट टीम ने जिस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बार बहुत ही बढ़िया पुल, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। चिराग हो बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद रही, गेंद डॉट के रूप में। इस बार फ्लिक किया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद जाती हुई डीप्स बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। बिल्कुल, अब यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की खोज में बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस लक्ष्य को अगर पार करना है तो बड़े स्ट्रोक खेलना जरूरी। इसी बीच अगली गेंद, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर। वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन और जुड़ता हुआ। स्कोर की तरफ अगर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 37 रन। 37 रन हो चुके हैं, 37 रन स्कोर बोर्ड पर दर्शाते हुए। इस बार पुल किया है, गेंद जारी है मिड विकेट की दिशा में, एक रन जरूर मिलेगा। बिल्कुल इस मैच की अगर बात करें तो बिल्कुल सेमीफाइनल का जो मुकाबला है पूरी तरीके से जेकेडी की टीम हावी होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हूं।
इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद इस वक्त प्लेस कर रहे हैं जिस वक्त जीत के लिए काफी ज्यादा रनों की जरूरत। बिल्कुल मैच का जो मजा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ क्योंकि गौरक्षक की टीम को जीत के लिए अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत है। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 38 रन हो चुके हैं, 113 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 113 रन, आतिशी पारी खेलनी होगी, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। व्हाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन और मिलता हुआ। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा 39 रनों पर, जीत के लिए 112 रनों की और जरूरत। क्या ये 112 रन बनाने में कामयाब हो पाते हैं बल्लेबाज, ये देखना जरूरी। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइव किया है, गेंद आ रही है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, गेंद शरीर से जाटक रही, इस बार रनअप में थोड़ी सी चूक, गेंद डॉट के रूप में घोषित की गई। बहुत ही बढ़िया, गेंद को पैरों से रोकने की कोशिश, 2 रनों की दौड़ लगती हुई, 2 रनों का इजाफा।
स्कोर पचा है 50 रन। तो 50 रन पूरे किए और 50 रन के साथ ही सामना करेंगे कमल थान सिंह का। थान सिंह तैयार, शॉट खेला है कवर मिडवान की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। वापस तैयार थान सिंह, ये गेंद फुल टॉस गेंद वहां पर, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट और 2 रन पूरे कर लिए थ्रो आने से पहले, और ये 2 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 56 57। गोरक्षक सूरत का स्कोर बढ़ता हुआ 57। गोरक्षक सूरत का 2 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 57। प्लीज न्यू बॉलर का नाम बताइए। तो पवन सिंह तैयार है बॉलिंग के लिए और सामना करेंगे फर्स्ट गेंद, और गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सीधा हाथ में दे बैठे, और ये गोरक्षक सूरत का तीसरा झटका 57।
59। तो दिनेश सिंह ने रन बनाए हैं 40 रन, अपने टीम में हाईएस्ट रन बनाने वाले दिनेश सिंह 40 रन। तो अभी नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं तो थान सिंह तैयार है गेंद के लिए। प्लेयर्स का नाम अभी तक नहीं आया। जी हाँ, घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा और फाइन लेग की दिशा में गेंद गई। थ्रो करने से पहले एक रन सुरक्षित लिया और एक रन के साथ ही लेग बाइस का रन, तो एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। वापस तैयार है थान सिंह जी। ये देखिए, विकेट कीपर से मिस हुआ और पीछे खिलाड़ी थे वो भी नहीं रोक पाए और गेंद थी वाइड। 4 और 5 रन आए टोटल और ये 5 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 65। गोरक्षक सूरत का लॉस ऑफ 5 विकेट 65 रन और वापस तैयार है थान सिंह जी बॉलिंग के लिए और राकेश सिंह सामना करेंगे। अच्छी गेंद थी, कवर की दिशा में खेला। किशन सिंह वहां पर तैयार हैं थ्रो करने से पहले 2 रन लेने की, लेकिन रन आउट, अपने आप से नाखुश, एक छोटी सी गलती कर बैठे और रन आउट के रूप में झटका गिरता हुआ 6 विकेट, यानी 6 विकेट गोरक्षक सूरत का। थान सिंह की ये गेंद और थर्ड मैन की दिशा में खेला हुआ गेंद, सॉरी मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ गेंद, क्या चौका, 6 रनों के लिए 6। वापस तैयार थान सिंह। तो ये कवर की दिशा में खेला हुआ, एक ही रन मिलेगा, एक से अधिक नहीं, और एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। लॉस ऑफ 6 विकेट और 8वां ओवर प्रगति पर है। तो आधी मंजिल तक वो पहुंच गए हैं और इतने रन और बनाने हैं उनको, तभी जाके उनको जीत मिलेगी। वापस तैयार और गेंद हवा में विकेट कीपर के ऊपर और सीधा हाथों में, 7वां विकेट का पतन हुआ। तो रन बढ़ गए हैं 73, 8 ओवर कंप्लीट और पवन सिंह तैयार हैं बॉलिंग के लिए
और गेंद हवा में, विक्रम सिंह के द्वारा शॉट लगाया गया, विकेट कीपर ने ये भी सीधा हाथों में पकड़ लिया और आठवां विकेट का पतन हुआ। गोरक्षक के कैप्टन आउट हुए हैं विक्रम सिंह। एक रन के साथ ही धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 78। यस, तो ये पवन सिंह वापस तैयार, कट शॉट, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, कोई रन नहीं। तो पवन सिंह का ये ओवर हुआ कंप्लीट और एक ये नौवा ओवर कंप्लीट होने के बाद रनों की जो संख्या है वो हो गई है 82।
वापस तैयार गेंद के, ये देखिए रिवर्स स्विंग शॉट, लेकिन वो बैट से नहीं लगा और बॉल प्लीज पानी लेकर चले जाएं और रेली स्प्रे बिल्कुल ना लेके जाएं। अपने हाथ से गलती की और गेंद काफी जबरदस्त लगी है, बॉटल लेकर जाएं, पूरा कूलर नहीं। अगर प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं तो प्लीज ग्राउंड से उन्हें बाहर ले लें, अगर ज्यादा चोट लगी हो तो प्लीज ग्राउंड से बाहर ले लें। रात का वक्त है और आड़े टेढ़े शॉट खेलना बहुत बड़ा रिस्क तो होगा, गेंद ऐसी ऐसी जगह लगती है जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन चलिए बड़ी दुर्घटना से दूर परे नजर आते हैं खिलाड़ी। अब गेंद से उन्हें डर लगेगा ये जरूर कहा जाएगा। टीम लगभग इतने बड़े लक्ष्य को पार नहीं कर सकती है और डेंजर स्ट्रोक जब आपकी आंखें गेंद पर सही तरीके से सेट हो जाए उसके बाद ही स्ट्रोक आप बड़े लगाएं, इस तरीके का रिस्क लें, यह चीज ध्यान में रखें। तो विजय फैक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 80% जेकेडी क्लब विन द मैच सेमीफाइनल। बहुत लंबा सफर अभी तक भी बाकी, लेकिन इतनी गेंदें नहीं बची हैं। अभी जो लास्ट के जो ओवर बच गए हैं वो मात्र 3। ये देखिए रन इतने चाहिए कि कोई मैं बोल भी नहीं सकता, और फिर भी वहां पर प्लेस के ऊपर प्लेस हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली और अच्छा जो बैट्समैन से पले से जो ही रन बनाए थे वही चिराग है और वही चिराग सिंह अभी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी भी इतनी धुआंधार खेली थी कि, और ये वापस खेलना चाहते थे लेकिन फिर से बिट। चोट लगने के बाद में गेंदों से डर लग रहा है उनको। ये देखिए वापस ओवर कंप्लीट। ये आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट, और लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद था और थ्रो करने से पहले एक रन पूरा किया और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तो 83 रन। तो वापस सामना करेंगे प्रेम, तो मुझ पे भौंकने का नहीं, फिर से वही गेंद और बीट हुए, इस बार गेंद थोड़ा अंदर था समझ नहीं पाया और बीट हुए। हाँ
हाँ आप खेलता जी ग्यारहवा ओवर प्रकृति पर है। ये देखिए कवर की दिशा में गेंद हवा में वन बाउंस सेकंड बाउंस और दूसरा रन लेने की कोशिश लेकिन दूसरा रन भी कंप्लीट हुआ। तो जी हां सॉरी दूसरे रन में हुए आउट।